नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपालगंज फोकस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो लखीसराय में नीलामी हो रही है उसी के बारे में। तो अभी हम मौजूद हैं लखीसराय थाना में और आपको यहाँ की गाड़ियाँ दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ की जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं कितनी अच्छी कंडीशन में, यहाँ पे जो भी बाइक है अच्छे कंडीशन में रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ जमा करना है। आपको सबसे पहले लखीसराय कलेक्ट्रेट में जाना है, समरणालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको जाना है उत्पाद विभाग में, वहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना है। फॉर्म के साथ आपका एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। और आप कैश भी पैसा जमा कर सकते हैं, जैसे मूल्य लिस्ट में निर्धारित की गई है उसका 10% आपको अग्रिम राशि फॉर्म के साथ जमा करना होता है। तो या तो आप कैश जमा कर दीजिए या DD बनवा लीजिए। DD आप बैंक से बनवा सकते हैं। अब उसके लिए आप क्या लगेगा, आपको DD बनवाने के लिए उसके लिए आपको चेक लगेगा। तो जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाके आप DD बनवा सकते हैं। अब बैंक वाले पूछेंगे किसके नाम से DD बनवाना है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्साइज सुपरिटेंडेंट लखीसराय जी, मतलब आप लखीसराय उसी के नाम से आपको DD बनवाना है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट लखीसराय उसी के नाम से आपको DD बनवाना है। तो एक बात और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए गाड़ी का मूल्य है 10,000 और उसका आपको 10% अग्रिम राशि जमा करना है, तो आपको DD कितना का बनवाना पड़ेगा, आपको DD 1,000 रुपये का बनवाना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे कमेंट भी मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लिस्ट में गाड़ी का मूल्य है 10,000 तो हमको 10,000 में गाड़ी मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। गाड़ी का मूल्य है 10,000 तो उसका ये समझिए कि 10,000 से उसका बोली स्टार्ट होगा, तो उस पर कितने लोग फॉर्म भरे हैं वो सब बोली लगाएंगे। तो जितना जो अधिकतम बोली लगाता है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का है 10,000, कोई बोला 12,000, कोई बोला 13,000, जो सबसे ज़्यादा बोली लगेगा उसकी वो गाड़ी हो जाती है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। अब चलिए हम बताते हैं कि जो लखीसराय ज़िले में नीलामी हो रही है इसकी तिथि मैं बता दे रहा हूँ। आप 3/1/2022 तक फॉर्म जाके जमा कर सकते हैं और नीलामी 5/1/2022 को होगी, 6/1/2022 को होगी। तो जितने लोग भी नीलामी में भाग लेना चाहते हैं भाग ले सकते हैं। जितनी गाड़ी आपको चाहिए, आप चाहे तो 1 फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो 20 फॉर्म भर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फॉर्म भरेंगे। और एक बात और आपको मैं बता देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बिहार में कहीं पर भी नीलामी होगी सबसे पहले गोपालगंज फोकस के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। कहीं पर भी नीलामी होगी आप गोपालगंज फोकस सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से होगा। जिस जिले में भी नीलामी होगी तो हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और अपना सुझाव हमें देते रहिएगा तो हमें अच्छा लगता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो भी आपको परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि फॉर्म कैसे भरे तो मैंने एक वीडियो में प्रोसेस बता दिया है, वो वीडियो जाके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्म कहाँ जमा करना है, नीलामी कैसे होती है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है, तो वो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लिस्ट डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी हम लिस्ट डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 3/1/2022 तक आप फॉर्म क्लर्टिएट में जाके उत्पाद विभाग में आपको फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो मैं फिर से डेट बता दे रहा हूँ, 3/1/2022 तक आपको फॉर्म जमा कर देनी है। कोई समस्या है आप समस्या हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आपको समस्या होगी हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और मैंने अपना नंबर भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नंबर से कॉल कर सकते हैं हमें। धन्यवाद।